टी20 विश्व कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की आखिरी टी20 सीरीज अफगानिस्तान के साथ है। 11 जनवरी से शुरू हो रहे 3 मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। विराट कोहली की भी टीम में वापसी हुई है। ये दोनों 2022 टी20 विश्व कप सेमीफाइनल के बाद पहली बार देश के लिए कोई टी20 मैच खेलेंगे। इस सीरीज के बाद भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है और इसके बाद IPL होगा। रोहित और विराट की वापसी से यह साफ है कि टी20 विश्व कप में दोनों खिलाड़ियों का खेलना तय है। पिछले एक साल में अधिकतर मौकों पर हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम की कप्तानी की है। ऐसा माना जा रहा था कि 2024 टी20 विश्व कप उन्हीं की अगुवाई में युवा भारतीय टीम अपना दम दिखाएंगी, लेकिन हार्दिक पांड्या की चोट ने कहानी पलट दी है। हार्दिक के बाद सूर्यकुमार यादव ने टी20 में टीम इंडिया की कमान संभाली, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए वह भी उपलब्ध नहीं है। टी20 विश्व कप में रोहित शर्मा का खेलना तय है और वह टीम इंडिया की नियमित कप्तान है। ऐसे में उनका कप्तान बने रहना भी तय है। ऐसे में हार्दिक पांड्या का टी20 विश्व कप में कप्तानी करने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। हालांकि आने वाले ICC टूर्नामेंट में हार्दिक की कप्तान रहने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। ऐसे में हार्दिक के साथ टीम इंडिया में वही हो सकता है जो मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा के साथ हुआ। मुंबई में हार्दिक की वापसी के साथ ही उन्हें कप्तान बना दिया गया। यही अब भारतीय टी20 टीम में रोहित के साथ हो रहा है।